नमस्कार साथियों, हरियाणा के बहादुरगढ़ के छारा और गांव सोड़दा तक सड़क बनाने का निर्णय हरियाणा सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा लिया गया है, जिसमें बहादुरगढ़ के छारा गांव के नज़दीक इलाके में 19 करोड़ की लागत से छारा सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। वहीं सोड़दा गांव में 10 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जाने वाला है। ये लोक निर्माण विभाग की तरफ से इन जर्जर हुई सड़कों को ठीक करने का और निर्माण का कार्य किया जाने वाला है। लंबे इंतजार के बाद बहादुरगढ़ से छारा मार्ग पर एक जो सड़क निर्माण है, इसका कार्य अटका हुआ था। बहादुरगढ़ से छारा जर्जर हुई सड़क को लेकर, इसके अलावा बहादुरगढ़ के वर्तमान बाईपास, जिसे दक्षिणी बाईपास के नाम से भी जाना जाता है, वहां से लेकर के सोलदा तक बादली रोड का भी उद्धार का कार्य हरियाणा सरकार द्वारा किया जाने वाला है। सड़क तंत्र की मजबूती को लेकर लोक निर्माण विभाग अब कई जगह हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सक्रिय देखा जा सकता है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बहादुरगढ़ छारा मार्ग के निर्माण के लिए करीब लोक निर्माण विभाग ने 19 करोड़ रुपए का बजट नोटिफिकेशन जारी करने का कार्य किया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान के बहादुरगढ़ शहर के बाईपास से बादली मार्ग पर गांव सोड़दा तक सड़क के मजबूतीकरण को लेकर भी 10 करोड़ रुपए हरियाणा के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी करने का कार्य किया गया है। सोड़दा से बादली तक सड़क की हालत पहले सुधारी जा चुकी है, लेकिन वर्तमान के सोड़दा से बहादुरगढ़ के बाईपास पर सड़क की हालत काफ़ी ख़राब देखी जा सकती है। बहादुरगढ़ से बादली सड़क निर्माण को लेकर हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहरी वाहन गुजरते हैं, जिससे इस सड़क की दयनीय हालत से बारिश के समय में यहाँ पर बड़ी संख्या में खड्डे पानी से भर जाते हैं, जिससे अनहोनी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन द्वारा इस प्रकार संज्ञान लेने का कार्य किया गया है। यहीं पर बादली से माजरी गुबाणा होते हुए सोड़दा तक सड़क को रिपेयर करने के साथ साथ जगह पर कारपेंटिंग का भी कार्य किया जाएगा। लेकिन सोड़दा गांव के भीतर सीसी रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है। नया गांव बाईपास पर भी कई जगह खड्डे बनाए गए हैं। बाईपास से सोड़दा खत्म होते ही रोड की हालत जर्जर और यहाँ से गुजरने वाले स्थानीय यात्री, वाहन चालक और कई प्रकार के व्यक्तियों को समस्याएं देखनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा समस्या तो स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ही होती है, क्योंकि स्कूल बस के माध्यम से जब वो सफ़र करते हैं तो बड़ी संख्या में गर्मियों के समय में तो धूल का अंबार लग जाता है और बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाईपास से सोड़दा खत्म होते ही रोड की हालत जर्जर देखी गई है, जिससे खेतों में आने जाने वाले व्यक्ति भी बड़ी संख्या में चिंतित नजर आते थे। अब लोक निर्माण विभाग ने 10 करोड़ की लागत से सोलधा में इस बाईपास के निर्माण कार्य की अनुमति देने का कार्य किया है। यहाँ पर कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गाँव छारा बहादुरगढ़ रोड पर राहगीरों को लंबे समय से इसका सामना करना पड़ता था। रात के समय यात्रियों को काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रात के समय चलने वाले जब व्यक्ति किसी मार्ग का प्रयोग करते हैं तो भी उन्हें कई प्रकार की दिक्कत आती है। रोड अच्छा न होने के कारण रात को लूटपाट का डर सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोपहिया वाहन चालकों को बना रहता था, जिसके कारण इस सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के मध्य में कई बार गुहार लगाई जा चुकी थी। इस बार कई बार लोग भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव सिरे पर आने के बाद हरियाणा सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। अब चुनावी साल में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 19 करोड़ रुपए का बजट छारा बहादुरगढ़ मार्ग को देने का कार्य किया गया है। इससे यात्रियों को और यहाँ आसपास के ग्रामीणों को उम्मीद है कि 19 करोड़ रुपए के इस बजट से उन्हें कई गुणा तक फायदा देखने को मिलेगा। करीब 10 करोड़ रुपए गांव सोलधा बहादुरगढ़ बाईपास तक और 19 करोड़ रुपए छारा से बहादुरगढ़ सड़क निर्माण के बीच में लगाए गए हैं। इसके लिए ऑर्डर जारी होने के तुरंत बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य चालू करवा दिया जाएगा, यानी कि काफ़ी जल्द इनका ऑर्डर सरकार के समक्ष रखा जा सकता है, जिससे इन सड़क निर्माण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और ये सड़क निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से चालू किया जा सकेगा।